जितने भी मॉन्यूमेंट हैं, जहां जहां उनके ज्वाइंट्स हैं, कई बार डस्ट उसमें बैठता है, फिर पानी मिलता है, चिड़िया बैठती है, बीट करती हैं। सभी स्मारक में आपको पौधे उगने की घटनाएं देखने को मिलती हैं। जरूरी ये होता है कि टाइमली उनको 5 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर का है, उसमें एक दो पत्तियां हैं, तभी उनको निकाल लिया जाए। अगर वो पौधे बढ़ेंगे तो उनकी रूट्स पेनिट्रेट करेंगी अंदर की तरफ, वो डैमेज होंगे। तो पौधे आते रहते हैं, हर 8 दिन 10 दिन में हम टाइमली उनको निकालते हैं, फिर जो भी होता है रूट किलर, पेस्टिसाइड, बाकी चीजें उसमें डालते हैं, फिर पॉइंटिंग कर देते हैं। तो ये प्रक्रिया इस मार्कों के सरफेस पे चलती रहती है, बट 8 से 10 दिन के इंटरवल में कुछ कुछ मॉन्यूमेंट में, जैसे आगरा फोर्ट या फतेहपुर सीकरी, वहां एक लंबा स्पैन हो जाता है, वहां आपको थोड़ा बड़े पेड़ दिखाई देते हैं, लेकिन ताजमहल चूंकि मार्बल सरफेस है, यहां जैसे ही दो पत्तियां आपको दिखाई देती हैं, वो दिखने लगता है, इमीडिएट हम उसको हटा लेते हैं। अच्छा, ये कहीं कहीं पे एम्ब्रॉयडरी भी डैमेज हो रहा है कि एक दो वीडियो भी प्रसारित हुए हैं, जिसमें कुछ पर्यटक सुबह के टाइम ताजमहल के जो किनारे के तरफ गार्डन है, जहां पे पर्यटक भी अमूमन कम जाते हैं और स्टाफ भी अमूमन कम जाता है, तो कई बार कुछ पर्यटक वहां पे बैठ जाते हैं, तो इस तरह की एक दो शिकायतें आ जाती हैं, घटनाएं हो जाती हैं। हम उन जगहों पे भी निगरानी के पॉइंट बढ़ाए हैं, जगह जगह हमने बोर्ड लगाए हैं, साइनेजेज लगाए हैं कि इन जगहों पे यूरिनल की या टॉयलेट की फैसिलिटी है, आप उसका इस्तेमाल करिए। हम एजुकेट करते हैं पर्यटकों को, जैसे आप उसमें एंट्री करते हैं वहां पे भी हम अपेक्षा करते हैं विजिटर से कि मॉन्यूमेंट प्रेमाइसिस में बहुत सारे लोग आते हैं, उसके वातावरण को हम बेहतर बनाएं, और अगर टॉयलेट ना हो तो फिर इस तरह की समस्या उत्पन्न हो सकती है, लेकिन चूंकि सफिशियंट टॉयलेट है तो हम और कोशिश करेंगे कि जिन जगहों पे इस तरह की चीजें हो रही वहां स्टाफ हम और बढ़ाएं। तो पिछले कुछ दिनों बारिश दिख रही थी और देखा था ताजमहल में लीकेज देखा गया था मेंट होम पे, क्या देखिए पिछले कुछ दिनों बारिश कंटिन्यू थी 3 से 4 दिन, सिर्फ ताजमहल पे नहीं, कई सारे स्मारक में बारिश को लेकर के कई सारे कंसर्न दिखाई दिए थे, बहुत सारे पेड़ गिरने की घटनाएं हुई थी, कई जगह थोड़ा बहुत इम्पैक्ट मॉन्यूमेंट सरफेस पे भी आया था। ताजमहल में पिछले दिनों बारिश को लेकर के, बारिश की वजह से दो तरह के समाचार आए, एक तो मेन गुंबद में पानी आने की घटना थी, और जो दूसरी घटना थी कि ये था उसमें कि जो ताजमहल का गार्डन एरिया है वो पानी से एकदम लबालब भरा हुआ है। तो जो पानी भरने वाला एरिया है गार्डन एरिया में, वो हम इंटेंशनली उसका ड्रेन आउट नहीं करते, क्योंकि बहुत सारे रिचार्ज पिट हैं, वेल्स हैं, उनके सारे पानी 2 से 2.5 घंटे में अपने आप सेटल हो जाता है, अपने आप नीचे चला जाता है, तो उसको ड्रेन आउट करने की रिक्वायरमेंट होती नहीं, वो इंटेंशनली ही इस तरीके का सिस्टम वहां पर अडॉप्ट किया गया है। जहां तक डोम में पानी आने की बात है, हाँ नीचे पानी देखा गया है, दीवाल के सहारे कुछ बूंदे पानी की आई हैं, उसके बाद हम लोगों ने बारिश बंद होने के बाद डिटेल इन्वेस्टिगेशन किया है, ऊपर जाकर के भी किया है जहां तक जा सकते थे, उसके बाद हमने ड्रोन की हेल्प ली है, ड्रोन उड़ा करके फिर हमने डिटेल वीडियोग्राफी की है आउटर जो डोम सरफेस है उसका। इस पूरे डिटेल इन्वेस्टिगेशन में कोई डैमेज अभी तक प्रकाश में नहीं आया है कि जहां पे कोई मेजर किसी तरह का कोई क्रैक हो या कोई टूटा हुआ हिस्सा हो जिसके सहारे पानी गया हो। कुछ एक दो आशंकाएं सी लगती हैं कि जहां से संभवतः पानी गया हो, एक डोर है नीचे के लेवल में, वहां से बौछार के थ्रू कुछ पानी जा सकता है, या ऊपर कलश के सहारे भी एक आशंका है, बट वो आशंका ही है अभी, जब तक कि उस पर हम मैन्युअली चढ़ करके उसको देखें ना, और वो थोड़ा सा अब वेट कर रहे हैं कि 2-4 दिन जैसे बारिश नहीं होती है फिर हम ट्राई करेंगे ऊपर चढ़ने की। नॉर्मली इस तरह की एक्टिविटी हम फ्राइडे जब ताज बंद होता है तभी करते हैं, सो वी आर वेटिंग फ्राइडे, अगर बारिश नहीं होती है तो फिर हम उसके ऊपर चढ़ करके डिटेल इन्वेस्टिगेट करेंगे, तभी एग्जैक्ट काज पता चल पाएगा।